नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब घर में पापा डांटते हैं तो गुस्सा तो आता ही है, पति पत्नी जब आपस में झगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोलते हुए लोग चुप हो जाते हैं और मन में बातें रख लेते हैं। दोस्तों के बीच में जब कोई बात होती है तो वहाँ भी मन में बातें रह जाती हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध को हम नहीं निकाल पाते हैं और मन ही मन कुंठा का शिकार होते हैं। ऑफिस में जब बॉस डांटता है तो भी कभी कभी ऐसी ही स्थिति बनती है और हम अपने सहकर्मी और बॉस का जवाब जब नहीं दे पाते हैं तो मन में गुस्सा आ जाता है। लोगों का कहना है ये गुस्सा कुंठा का कारण होता है और कभी कभी आपके कार्य की दक्षता को प्रभावित करता है, यानी कि काम की एफिशिएंसी को कम कर देता है। आपको बताएं कि क्या आपका मन नहीं करता है कि इस गुस्से को निकाला जाए, और गुस्से को निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। आपको बताएं क्या गुस्से को निकालने को भी लेकर के दुकानें खुल सकती हैं, क्या इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक, हम आपको बताएंगे कि अब गुस्से को लेकर भी दुकानें खुल चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के अंदर गुस्सा निकालने के लिए अब दुकानें खोल दी गई हैं और इसको लेकर के ये अनोखे प्रयोग देश के कई शहरों में किए जा रहे हैं। अब आपको बताते चले कि रेज रूम के नाम से इस देश में ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जिसके कैफे का नाम रखा गया है भड़ास कैफे। आपको बताएं अनन्या सेट्टी नाम की एक भारत की बेटी जो कि आईआईटी चेन्नई से पास आउट है और बेंगलुरु की रहने वाली है, उसके मन में ये विजन आया, ये विचार आया कि लोगों को गुस्सा निकालने की भी एक जगह होनी चाहिए और उस जगह पर वो गुस्सा कैसे निकालेंगे इसका भी उसने प्रबंधन किया। एक कमरा होता है, थोड़ी सी लाइट होती है, लगभग 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट तक के उस कमरे में टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुराने लैपटॉप, पुराने टीवी, पुरानी और सारी चीज़ें, बोतलें जो लटका दी जाती हैं। अंदर जाने पर आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको कपड़े भी दिए जाएंगे, ग्लास दिए जाएंगे, ग्लव्स दिए जाएंगे। उसके बाद बोतलों को फोड़ना, टीवी को फोड़ना, लैपटॉप को तोड़ना, ये सारे काम आप उस रूम में कर सकते हैं जिसका नाम उस बेटी ने रेज रूम दिया है। शुरू में तो ये कल्चर लगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन अनन्या सेठी का ये काम अतुल मलिक ने आसान कर दिया और सबसे पहला रेज रूम इंदौर और सूरत में खोला गया। इंदौर में भड़ास नाम से ये शुरू किया गया, पहले अपनी जाकर के भड़ास निकालो और उसके बाद में आकर के कॉफी पियो और थोड़ा शांत हो जाओ। इस प्रकार का प्रयोग जब शुरू किया गया था तो लोगों को नहीं लगता था कि इतनी भारी भीड़ हो जाएगी, लेकिन आपको बताएं कि आज ये रेज रूम कोच्चई, हैदराबाद, सूरत, मद्रास, मुंबई और इंदौर जैसे शहरों में धड़ाके से चल रहा है। मजे की बात तो ये है कि हर उम्र के लोग इस रेज रूम में आ रहे हैं और इस रेज रूम के मालिक और इसके संस्थापक जो हैं वो अतुल मलिक हैं जो इसका पूरा काम देखते हैं। फिलहाल अनन्या सेठी का जो ये प्रयोग है यह पूरे भारत में छा रहा है और एक तरह से इस प्रयोग के माध्यम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ये अनन्या सेठी ने साबित कर दिया है। आपको बताएं मनोविज्ञान के प्रोफेसर ये कहते हैं कि कुछ देर के लिए तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं लेकिन बहुत दिनों तक इसको नहीं अपनाया जा सकता है। लेकिन अनन्या सेठी के इस प्रयोग पर नौ युवक से लेकर के बुजुर्ग और हर उम्र के लोग रेज रूम में जाना पसंद कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद।